बॉलीवुड अभिनेता अध्ययन सुमन जो आश्रम के बहुप्रशिक्षित तीसरे सीजन के लिए तैयार हैं, उन्होंने हाल ही में साझा किया कि हालांकि उनका परिवार इसी इंडस्ट्री से है लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस बात का कोई खास फायदा नहीं मिला। एक्टर का कहना है कि भाई भतीजावाद मेरे लिए काफी उतना सहायता देने वाला नहीं रहा। उन्होंने कहा, सब कुछ दर्शकों पर निर्भर करता है। प्रचार या अभियानों पर खर्च की गई कोई भी राशि वास्तव में किसी अभिनेता या अभिनेत्री के करियर को आकार नहीं दे सकती है। यदि दर्शक उन्हें और उनके काम को देखने के लिए तैयार नहीं है। आश्रम 3 के लिए रखे गए एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान अभिनेता ने कहा, अध्ययन जी, जिस तरह आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि मैंने प्रकाश जी के साथ जाके बात की और मैंने रोल के बारे में कहा जी, डू यू थिंक द वर्ड नेपोटिज्म ऑलवेज वर्क्स फॉर मेनी वन बट इट हैज नॉट वर्क इन योर फेवर? थैंक यू फॉर सेइंग दैट। इट्स बीन 10 इयर्स, इट्स नॉट वर्क्ड फॉर मी। तो नहीं यार, आई थिंक अगर आज आप देखें तो आलिया भट्ट जब करती है गंगूबाई तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही एक फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करना लोगों ने शुरू की थी। एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में, और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता। इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस, और ये नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार। मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जब मैं आश्रम में आया, और 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ, आई कांट टेल यू ऑनेस्टली। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं होता। फिल्म में तिनका सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अध्ययन से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी बाबा या पंडित की ओर रुख किया जब उन्हें उद्योग में काम नहीं मिल रहा था, इस पर उन्होंने कहा, आप किसी भी फील्ड से हो, आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स इन इटसेल्फ आर वेरी इनसिक्योर। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आज मैं कोई रिंग्स भी पहन रहा हूँ तो आई इवेंचुअली रियलाइज इन द पावर ऑफ एनर्जीज एंड नथिंग एल्स। एंड ऑफ कोर्स मैं इनसिक्योर था, और मैं भी पंडित जी और बाबा जी और मेरी कुंडली देख लीजिए मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा। बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपकी मेहनत ही सब कुछ है जो मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया। तो ये सेट कि ठीक है ये सारी चीज़ें यू आप जाते हैं कंसल्ट करते हैं एक दो बार, बट इवेंचुअली इट्स समथिंग दैट यू जस्ट नेवर गिव अप। और मेरे साथ भी आई थिंक यही हुआ कि जब भी मैं बाबाओं के पास गया और मैंने पूछा, सब कहते थे अरे इस डेट पे ये होने वाला होता, कुछ नहीं था लाइफ में। तो जब मैंने पूछना छोड़ दिया लाइफ में और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की, उसके बाद चीजें बदलने शुरू हुई। मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम हुआ भी। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित और निर्मित क्राइम ड्रामा सीरीज आश्रम की बात करें तो यह अंधविश्वास और राजनीति के गठजोड़ पर केंद्रित है। इस फेमस वेब सीरीज में बॉबी देओल के साथ अदिति पोहनकर, दर्शन कुमार, चंदन रॉय, सान्याल, तुषार पांडे, अनुप्रिया गोयनका, अध्ययन सुमन, विक्रम कोचर, त्रिधा चौधरी, राजीव सिद्धार्थ, सचिन श्रॉफ, अनुरिता झा, परिणीति सेठ, जहांगीर खान, कनुप्रिया हैं। आश्रम सीरीज का तीसरा सीजन 3 जून को MX प्लेयर पर रिलीज होने वाला है। INS रिपोर्ट।